और इस वक्त खबर दिल्ली से सटे नोएडा से आ रही है। नोएडा के सेक्टर 18 में जीओपी प्लाजा नाम के एक बिल्डिंग में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इस बिल्डिंग में कई दफ्तर और दुकानें भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी हुई है। वहां पर दमकल की 6 गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। और हालांकि आज फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, लेकिन गुड फ्राइडे भी है, तो हो सकता है कि दफ्तर में लोग ना आए हों। लॉर्ड कृष्णा बिल्डिंग है ये, और पहली मंजिल और दूसरी मंजिल से धुआं निकलता ज्यादा दिख रहा है। और हमारे संवाददाता ब्रजेश वहां पर हैं मौके पर, और उन्होंने क्या देखा, आप देखिए उनकी रिपोर्ट पर। पिछले 1 घंटे से लगातार कोशिश की जा रही है। सेक्टर 18 के जीओपी प्लाजा में इस वक्त आग लगी हुई है और यहां पर तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगातार लगी हुई है, इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। जीओपी के इस प्लाजा में तमाम दफ्तर हैं, तमाम ऑफिसेज हैं। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पे जहां पर आग लगी है, एक बैंक भी यहां पर बना हुआ है और उसने बैंक को भी आग के चपेट में ले लिया है। आग ने जो है उसको चपेट में ले लिया है। आग आप देख सकते हैं कि अंदर अभी भी लगातार आग जो है वो सुलग रही है, धुआं अंदर से निकल रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए, लेकिन पिछले 1 घंटे से जो कोशिश है वो पूरी तरह से यहाँ पे विफल होती दिख रही है। देख सकते हैं कि रास्ते दूसरे मंजिल पे अभी भी आग लगी है और आग ने अब तीसरी मंजिल को भी चपेटे में ले लिया। हालांकि अब तक इस बात की कोई खबर नहीं है कि क्या अंदर कोई फंसा है या फिर नहीं। हालांकि दफ्तर तमाम है, सुबह दफ्तर आने का लोगों का वक्त था, लेकिन उसके पहले ही जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची, उनको सूचना दी गई। उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है, बौछारे की जा रही है, पानी से यहां पर बौछारे की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। कैमरा पर्सन रवि पुजारी के साथ ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IPL 7। ब्रजेश हमारे संवाददाता इस वक्त भी वहां पर है। ब्रजेश, आप सबसे पहले ये बताइए कि यह आग कितने बजे लगी और क्या कोई वहां अभी भी फंसा है या नहीं, और कैसी स्थिति है अभी वहां पर? बिल्कुल, देखिए 8:25 इसको कॉल गई थी, फायर टेंडर को कॉल की गई थी कि इस बिल्डिंग में मेरे ठीक पीछे जीओपी प्लाजा है, ये इसमें आग लगी हुई है। उसके बाद कोशिश की जा रही है, अब 1.5 घंटे से भी अधिक का वक्त यहाँ पे बीत चुका है, लेकिन अब तक आग नहीं बुझा पाई गई है। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही थोड़ी बहुत आग पर जो फायर टेंडर है उन्होंने काबू किया है और अब जो फायर के अधिकारी हैं वो दूसरी मंजिल पर पहुंच पाए हैं। इसके अलावा इसके पहले 1.5 घंटे से लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर जहां पर आग लगी हुई है वहां पर जो अधिकारी हैं, जो आग बुझाने के जो तमाम कोशिशें थी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि अब वो लोग सीढ़ियों के जरिए शीशा जो लगा हुआ था उनको तोड़कर अंदर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी अंदर आग की लपटें आप देख सकती हैं कि लगातार जो 1.5 घंटे से आग की लपटे हैं वो अभी भी अंदर मौजूद है। और दूसरे मंजिल पे आग लगी थी, उसके बाद तीसरे फ्लोर को भी चपेटे में ले लिया गया है। पुलिस लगातार यहाँ पे मौजूद है, कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। और सबसे मुसीबत यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर जो एक बैंक भी बना हुआ है उसमें भी आग लग गई है। दूसरे और तीसरे मंजिल को पूरी तरह से चुकी है ये आग, कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन अब तक असफलता हाथ लगी है। हालांकि कुछ जरूर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो इस कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार आग लगने की असल वजह क्या है। जब आग बुझ जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किन कारणों से इस बिल्डिंग में आग लगी थी।